म्यूचुअल फंड क्या है और कैसे इसमें निवेश करें। तो दोस्तों, पैसा बचाने या इन्वेस्ट करने की अगर बात आती है तो मेन रूप से हम जो है सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट या आरडी या केवीपी या पीएफएफ की जो है तरफ देखते हैं। हालांकि इन सभी सेविंग स्कीम में जो है आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। यानी कि अगर देखा जाए तो सेविंग अकाउंट में आपको सिर्फ 4% इंटरेस्ट मिलता है, वहीं एफडी या आरडी में आपको 6 से 7% तक जो है इंटरेस्ट मिल जाता है। और अगर बात करें पीएफएफ और केवीपी में तो ये आपको जो है 8% तक इसमें ब्याज मिल सकता है। दोस्तों बता दूं, म्यूचुअल फंड एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको बाकी सेविंग स्कीम के जो है मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिलता है। यानी कि 30% तक जो है आपको रिटर्न मिल सकता है। लेकिन आज जो है म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कम लोगों को जो है पता है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड है क्या। तो दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आप अलग अलग तरह से अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकें। यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी AMC वो कंपनी है जो म्यूचुअल फंड खोलती है। ये कंपनी आपके दिए हुए पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करती है और बहुत सारे लोग जो हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी में ही अपना जो है पैसा डालते हैं। अब दोस्तों ये AMC कंपनी क्या करती है कि अपने जो एडवाइज़र है उनसे राय लेकर के आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है या फिर किन अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करना है वो इसकी सलाह से करती है। अब निवेश करने के बाद जो रिटर्न मिलता है उसका 1 या 2% AMC कंपनी अपने पास रख लेती है और बाकी का सारा पैसा आप या हम जैसे इन्वेस्ट करने वाले लोगों को रिटर्न रेट के हिसाब से जो है दे देती है। हमारे देश की बात करें तो लोगों HDFC, ICICI बैंक, टाटा बिरला, HSBC, रिलायंस आदि बैंक जो है उन्होंने अपनी अपनी एक असेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि AMC खोल रखी है। ये AMC अपनी जो है कई अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड जो है निकालते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न कितना मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि AMC कंपनी आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। अब म्यूचुअल फंड आपको कितना रिटर्न दे सकता है या कितना रिस्की हो सकता है ये सारी चीज़ें इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। कम से कम आपको 5% का रिटर्न भी मिल सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 30% का रिटर्न भी आपको मिल सकता है। इसमें जीरो रिस्क वाले म्यूचुअल फंड भी होते हैं और हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड भी होते हैं। म्यूचुअल फंड हाई रिस्क और लो रिस्क इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपकी जो कंपनी है AMC जो कंपनी है वो आपके पैसों को किस जगह इन्वेस्ट कर रही है। अगर ये कंपनी आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाती है तो वो ज़्यादा रिस्की होगा लेकिन उसमें रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। तो दूसरी तरफ अगर आपकी जो कंपनी है वो आपके पैसे को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो है इन्वेस्ट करती है तो वो कम रिस्की होगा। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं। असेट मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसे को कहाँ निवेश कर रही है इसके आधार पर म्यूचुअल फंड के कई प्रकार हो सकते हैं। मुख्यतः अभी 3 ही प्रकार हैं जिसमें पहला आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इस फंड में आपके पैसों को शेयर मार्केट में जो है निवेश किया जाता है यानी कि स्टॉक मार्केट में। अब इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन आपको बता दें कि इसमें रिटर्न भी आपको ज़्यादा ही मिलेगा। बता दूं अगर आपका पैसा किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो उसे हम लार्ज कैप इक्विटी फंड कहेंगे और अगर किसी छोटी कंपनी में आपके पैसे को निवेश किया जा रहा है तो उसे हम स्मॉल कैप इक्विटी फंड कहेंगे। ऐसे ही एक और होता है जिसे मिड कैप इक्विटी फंड कहते हैं। बड़ी कंपनी में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें रिस्क जो है कम होता है, जबकि छोटी कंपनी में यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ रिस्क ज़्यादा होता है। हालांकि बड़ी कंपनी के मुकाबले छोटी कंपनी में आपके पैसे में जो है ज़्यादा वृद्धि होती है। अगर आपको कम रिस्क और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप लार्ज इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों बता दूं, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में स्मॉल मीडियम और लार्ज कैप इक्विटी फंड इन तीनों में जो है थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया जाता है। तो दूसरे नंबर पर आता है डेट म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों बता दूं, इस प्रकार के फंड में आपके पैसे को डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया जाता है। डेट इंस्ट्रूमेंटल जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स है और डिपॉजिट सर्टिफिकेट, कॉरपोरेट बॉन्ड्स आदि में आपके पैसे को निवेश किया जाता है। तो दोस्तों बता दूं, इस प्रकार के जो म्यूचुअल फंड हैं उनमें रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न भी इसमें लो होता है, यानी कि रिटर्न भी आपको कम ही मिलता है। उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप सरकार को एक तरह से जो है लोन देते हैं और बाद में आपके पैसे को एक
एक अच्छी इंटरेस्ट रेट के साथ आपको वापस मिल जाता है। डेट फंड के भी जो है काफ़ी सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि लिक्विड फंड, गिल्ट फंड, डायनेमिक बॉन्ड फंड, इनकम फंड, शॉर्ट टर्म एंड अल्ट्रा टर्म डेट फंड्स, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स आदि। तीसरा होता है दोस्तों हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड का जो है मिश्रण होता है। इसमें कुछ पैसा आपका इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, वहीं कुछ पैसा आपका डेट फंड में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि जोखिम कम किया जा सके। तो बता दो दोस्तों ये भी जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स, डेट ओरिएंटेड बैलेंस फंड, मंथली इनकम प्लान्स और आर्बिट्रेज फंड्स। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश कैसे कर सकते हैं। तो बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना बहुत ही आसान है। आप घर बैठे ऑनलाइन मोबाइल के जरिए म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी बैंक के नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के जरिए भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। और एक पेटीएम मनी मोबाइल ऐप में भी बड़ी आसानी से 0% कमीशन के साथ आप जो है म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। और भी ऐसी कई ट्रस्टेड ऐप है जहाँ से आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों इसके लॉस और बेनिफिट के, यानी लाभ और हानि के बारे में। तो इसके बारे में मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा अलग अलग जगह निवेश किया जाता है, इसलिए इसमें जोखिम कम होता है, क्योंकि आप किसी एक जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इसलिए आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। म्यूचुअल फंड कहीं ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि गोल्ड है या रियल एस्टेट स्टॉक मार्केट की तुलना में। यानी कि अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो म्यूचुअल फंड जो है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है इन्वेस्ट करने के लिए। म्यूचुअल फंड में अगर जोखिम की बात करें तो वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस म्यूचुअल फंड में जो है अपना पैसा निवेश कर रहे हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात म्यूचुअल फंड की ये है कि आप मिनिमम अमाउंट से इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 500 रुपये से हर महीने की आप SIP शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट फंड मैनेजर करता है, वो ही तय करता है कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड उतना जोखिम भरा नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं। अगर सही म्यूचुअल फंड आपने चुना है और लंबे समय तक आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बेहतर रिटर्न मिले। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि म्यूचुअल फंड की जानकारी आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको इस प्रकार की वीडियोस और चाहिए तो आप हमारे साथ जो है बने रहें और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।